गुड मॉर्निंग एवरी वन, आई एम निकिता शर्मा फ्रॉम DAV पब्लिक स्कूल सीकर। सो क्लास फर्स्ट, सब्जेक्ट आपका कंप्यूटर है, चैप्टर 5 है यूजिंग अ माउस, इसका पार्ट 1 है। आप पढ़ चुके हो पिछले वीडियोस में कंप्यूटर क्या होता है, हम इसका यूज़ कैसे करते हैं, ये सब पढ़ चुके हो। और आपको पता है कि माउस क्या है। माउस एक ऐसी डिवाइस है जिसका यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, वी सेलेक्ट एंड मूव आइटम्स ऑन कंप्यूटर स्क्रीन। जिसका यूज़ कर हम कंप्यूटर की स्क्रीन पर किसी चीज़ को या किसी भी आइटम को या तो सेलेक्ट कर सकते हैं या मूव कर सकते हैं। मूव का मतलब क्या होता है, जैसे अब मैं यहाँ खड़ी हूँ, अगर मैं यहाँ आ जाती हूँ तो क्या हो जाता है, मैं मूव हो गई ना, वहाँ से यहाँ आ गई। तो आप भी ऐसे ही करते हो ना, एक जगह से दूसरी जगह पर जाना ही क्या हो जाता है, मूव होना हो जाता है कि हम एक जगह से दूसरी जगह पर गए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट चैप्टर 5 यूजिंग ए माउस। अब देखिए, वी सेलेक्ट एंड मूव आइटम्स ऑन ए कंप्यूटर स्क्रीन, विथ ए डिवाइस कॉल्ड माउस। देखिए, फिर है व्हेन वी मूव द माउस, द पॉइंटर ऑन द स्क्रीन ऑल्सो मूव अब देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि वी सेलेक्ट एंड मूव आइटम्स ऑन ए कंप्यूटर स्क्रीन विथ ए डिवाइस कॉल्ड माउस। जब हम एक क्या करते हैं, वी मतलब हम सेलेक्ट करते हैं, चूज़ करते हैं और मूव करते हैं, किसको, आइटम्स को, ऑन ए कंप्यूटर स्क्रीन। कहाँ पर, कंप्यूटर स्क्रीन पे, विथ ए डिवाइस, एक डिवाइस के साथ हम क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं और मूव करते हैं किसी आइटम को। और वो डिवाइस क्या है, वो डिवाइस क्या कहलाती है, वो डिवाइस माउस कहलाती है। क्या कहलाती है, माउस कहलाती है। व्हेन वी मूव द माउस, जब भी हम माउस को मूव करते हैं, व्हेन वी मूव द माउस, जब भी हम माउस को मूव करते हैं तो द पॉइंटर ऑन द स्क्रीन ऑल्सो मूव्स। तो जो स्क्रीन पर पॉइंटर होगा, किसका, माउस का पॉइंटर होगा, वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो ऑटोमेटिकली मूव होगा। ओके, तो ऑल्सो मूव्स, जैसे ही आप माउस को मूव करोगे वैसे ही आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर जो माउस पॉइंटर होगा वो मूव होगा। ओके, फिर देखिए, कंप्यूटर माउस looks like a real mouse, it has two or three buttons and
एंड ए वायर विच ए वायर विच लुक्स लाइक ए टेल लुक्स लाइक अ टेल this wire connects it to the CPU. अब आपने क्या पढ़ा? आपने पढ़ा कि आप जब भी किसी आइटम को सेलेक्ट करते हो या मूव करते हो कंप्यूटर स्क्रीन पर, तो एक डिवाइस से करते हो और वो डिवाइस क्या कहलाती है? माउस कहलाती है. और व्हेन वी मूव द माउस, जब भी हम माउस को मूव करवाते हैं, जैसे ये आप हैंड है, अगर मैं ऐसे करूँगी या ऐसे करूँगी तो ये क्या हो रहा है? मूव हो रहा है ना. वैसे ही हम क्या कर सकते हैं? माउस को भी मूव कर सकते हैं. और जब हम माउस को मूव करते हैं तो एक स्क्रीन पर, कंप्यूटर स्क्रीन पर एक पॉइंटर होता है, वो भी ऑटोमेटिकली मूव होता है. फिर देखिए, कंप्यूटर मूव्स लुक लाइक अ रियल माउस. रियल माउस तो आपने देखा है ना घर पे, तो ये जो आपका माउस है वह वैसा ही दिखता है जैसे कि कोई रियल माउस हो. कंप्यूटर माउस लुक्स लाइक अ रियल माउस. कंप्यूटर का जो माउस है वो कैसे दिखता है? रियल माउस की तरह ही दिखता है. इट हैज़ टू और थ्री बटन्स, इसके दो और तीन बटन्स होते हैं. जैसे माउस के दो आँखें होती है ना, है ना, उसी तरीके से इस माउस के क्या होता है? दो बटन्स होते हैं. एंड ए वायर विच लुक्स लाइक अ टेल. एक माउस के क्या लगा होता है? चूहे के क्या होती है? माउस के पूंछ होती है ना, रेड के पूंछ होती है ना, उसी तरीके से माउस के क्या होती है? एक वायर कनेक्ट होता है. क्या कनेक्ट होता है? वायर. तो देखिए, एंड ए वायर विच लुक लाइक अ टेल, और वो वायर कैसे दिखता है? टेल की तरह, पूंछ की तरह दिखता है. जैसे चूहे के पूंछ होती है वैसे माउस के भी पूंछ होती है, मतलब वायर होता है. तो दिस वायर कनेक्ट्स इट टू द सीपीयू, और ये जो वायर होता है वो किससे कनेक्ट होता है? ये वायर सीपीयू के साथ कनेक्ट होता है. ओके, वी मोस्टली यूज We mostly use the scroll mouse. Now it has a wheel in between the two buttons. Wireless mouse is also available these days. This mouse does not have wires. अब देखिए, we mostly use the scroll mouse now.
हम कौन से माउस का यूज़ करते हैं? स्क्रोल माउस का यूज़ करते हैं, जिनमें एक व्हील लगा हुआ होता है, जो दो बटन्स होते हैं ना उनके बीच में एक व्हील लगा हुआ होता है, और आप जैसे उसको घुमाते हो तो ऊपर नीचे मतलब अप और डाउन आप उससे जा सकते हो, है ना। तो हम कौन से माउस का यूज़ करते हैं? स्क्रोल माउस का, ठीक है। अब देखिए, इट हैज़ ए व्हील इन बिटवीन द टू बटन्स, और ये जो व्हील लगा हुआ होता है कब कहाँ लगा हुआ होता है? टू बटन्स के बिटवीन, दो जो बटन्स होते हैं उनके बीच में। वायरलेस माउस इज ऑल्सो अवेलेबल दीज डेज। जो वायरलेस है, मैंने पहले क्या बताया था कि आपका जो माउस होता है ना उसके क्या होती है? एक पूंछ होती है। आपका माउस होता क्या है? आपका माउस ऐसे होता है और उसके एक पूंछ होती है ऐसे, और यहाँ पे बीच में एक व्हील लगा हुआ होता है, एक स्क्रोल लगा हुआ होता है, ऐसे होता है आपका माउस। और ये जो वायर होती है वो किससे कनेक्ट होती है? सीपीयू से होती है। बट वायरलेस माउस इज ऑल्सो अवेलेबल दीज डेज, वायरलेस। और ये माउस कैसा होगा? ये माउस होगा ऐसा जिसमें कोई भी वायर नहीं लगी हुई होती है, ठीक है, इसमें कोई भी वायर नहीं लगी हुई होती है, ठीक है। तो दीज डेज अवेलेबल है, अभी इन दिनों क्या है, वायरलेस माउस अवेलेबल है जिसको किसी भी सीपीयू से कनेक्ट नहीं किया जाता है। दीज माउस डज नॉट हैव वायर्स, तो इसके क्या है, इसके कोई भी वायर नहीं होता है। वायरलेस माउस है, उसके कोई भी वायर नहीं होता है, तो हम ये कह सकते हैं कि इसके कोई भी टेल नहीं होती है, कोई भी पूंछ नहीं होती है। बट स्क्रोल जो माउस होता है ना, उसके तो टेल होती है, उसके तो ये क्या किससे कनेक्ट रहता है, ये तो सीपीयू से कनेक्ट रहता है। अब देखिए, ये क्या है, माउस है ना आपका, ठीक है, और ये किसकी तरह लग रहा है आपको? बिल्कुल रेट की तरह, चूहे की तरह लग रहा है ना। अब देखो, ये देखो, एक तो ये बटन इस तरफ है इसका, एक बटन इस तरफ है, और ये क्या है, बीच में व्हील लगा हुआ है, दोनों बटन्स के बीच में व्हील लगा हुआ है। ये देखो, ये जो वायर है ना, ये क्या है, इसकी टेल है, इसकी पूंछ है। और देखो, ये जो वायरलेस है, आपने और किसके बारे में पढ़ा, वायरलेस के बारे में, वायरलेस माउस है ना, ये देखो, ये तो सिर्फ माउस पैड पे रखा जाता है, इसके कोई भी वायर नहीं होती है, नहीं दिख रही ना आपको कोई भी वायर, ये देखो कोई भी वायर नहीं है इसके, ठीक है। तो द माउस इज केप्ट ऑन माउस पैड, तो नहीं, माउस किस पे काम करता है, माउस पैड पे। ये देखो, ये जो पैड बन रखी हुई है ना इसके नीचे, ये ही क्या है, इम्पोर्टेंट है, ओके। स्टूडेंट्स, आपको ये समझ में आ गया होगा, अगर इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप DAV स्कूल के व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। थैंक यू।